आपने देखा ही होगा गरम चटपटा आनंद 2022, शायद ये ठंड में बिना रजाई में पसीना आने वाले हैं। 2022 की महादंगल चुनाव उत्तर प्रदेश का शायद ही कभी ये नज़ारा देखा ही होगा, और ना देखे होंगे, हम दिखाने आए हैं आपको। हम बताना चाहेंगे, हमारे साथ में बड़े भाई खड़े हैं चौहान जी, और चौहान जी से हम ज़रा पूछना चाहेंगे, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार अखिलेश सरकार, सपा सरकार आ रही है, आम जनता की सरकार आ रही है, किसान की सरकार आ रही है, गरीब मजलूम दलितों की। किसान की अगर बात करते हैं तो मोदी ने तो 3 काला कानून को हटा दिया है। जी जी, किसान के लिए क्या कर दिया, खाद महंगी कर दी, बीज महंगे कर दिए, जो हमारा दाना है अनाज है वो सड़ रहा है, कहीं बिक नहीं रहा है, हर एक जगह धांधलेबाजी हो रही है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो मोदी सरकार, ये भी कहते हैं कि 1000 रुपए से जगह 1800 रुपया धान का कर दिए। उन्होंने दान हमारी फसल तो बताया था कि हम दोगुनी कर देंगे, 1800 का वो बता रहे हैं कि हम डीजल पेट्रोल सस्ता कर दिए। कहाँ सस्ता हो गया है, कहाँ पे? जैसे हम एक चाहते हैं कि जो आम नागरिक, जो किसान, उनकी जो धरना बवाल था कि उन्होंने वो भी समाप्त कर दिया, क्या हम किसानों हित में? ये तो छलावा है, ये छलावा है, ये केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं। किसी जब चुनाव का समय है तो जुमलेबाजी कर रहे हैं। अभी तक मर गए हमारे 700 किसान भाई, तब उन्हें याद नहीं, क्योंकि हम एक बहुत बहुत बड़ी बात करने वाला हूँ। हम लोग एक प्रजा धाम में हूँ, धाम यानी कि तीर्थ स्थान, सबसे बड़ा हमारा देश का राम मंदिर बनाने जा रहे हैं मोदी सरकार। अरे उससे बेरोजगारों का धान लोटी चलेगा, ये तो बहुत बड़ी चीज है। मंदिर मस्जिद एक अलग चीज है, वो एक आस्था का केंद्र है, वो मंदिर नहीं। मंदिर के नाम पे एक दिया 4000 कुछ रुपए का दिया है, वो कई करोड़ों का घोटाला किए हैं दिए में, और गरीब के घर अगर वो करवा दिए होते, हमारी शिक्षा फ्री करवा दें हम। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर योगी आदित्यनाथ बाबा महात्मा जो है, जो नाम बदल रहे हैं हर एक चीज के, नाम बदल देंगे वो आज के ये धाम है तो कल वो हो जाएगा, तो बेगूसराय है तो कल क्या हो जाएगा। क्योंकि नाम बदलने से भी उत्तर प्रदेश के सभी बन रहे ना भैया, क्योंकि उसमें हरा काला कलर भी तो चेंज हो रहा है। कुछ नहीं, जितना पैसा उस नाम बदलने में, जितना वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, जो भी आता है, वो सब बर्बाद कर रहे हैं। केवल शिक्षा फ्री कर दें, हमारे गाने बाबा ने कुछ किया हमारे साथ में, हमारे साथ में युवा नेता, बहुत अच्छा, हमारे साथ में युवा नेता समाजवादी पार्टी का है, और इस चुनाव में सबसे बड़ा चटपटा चटनी बनकर उभारने वाले हैं। हम बात करना चाहेंगे बड़े भैया, नाम हमारा सलमान सिद्दीकी, 270 विधानसभा दरियाबाद, और समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा से मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। नाम बहुत बड़ा है आपका, छवि बहुत बड़ा है, पद बहुत बड़ा है, आने वाला 2022 में क्या करने वाले हैं? आने वाला 2022 भी हमारा है। ये कैसे आप कह सकते हैं? ये हम जो जुल्म हो रहा है इस सरकार द्वारा, जो महंगाई बेरोजगारी, हम उसके उस मुद्दे पर हम कह रहे हैं कि 2022 हमारा है। अच्छा, महंगाई जब देखा जाता है तो किसानों का जब सौदा की रेट बढ़ता है तभी महंगाई पॉलिटिकल्स में कहाँ बढ़ा है। अभी किसानों के खेत से आलू खुद रहा है, वो सस्ता है, अभी वही जब स्टोर होगा फिर बड़े बड़े लोग पैसा कमाएंगे और आपका वही आलू 40 रुपये किलो बिकेगा, वही आलू 40 रुपये किलो। यानी कि ये जो 2022 का सबसे बड़ा मुद्दा आप लोगों के पास क्या होगा? युवा बेरोजगारी, महंगाई, यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है। इतना नौकरी दे रहा है मोदी ने बाहर हर जगह, वो सिर्फ पोस्टर में है नौकरी, पोस्टर पे नौकरी, गांव, ये आप क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि जो 108 नंबर एम्बुलेंस में कम से कम 70,000 कार्यकर्ता को बाहर कर दिए गए, इससे बढ़िया और सर्विस में और कुछ है क्या भाई? यही तो है ना, यही तो है कि ये नौकरी से निकाल सकते हैं और उस एम्बुलेंस को बिना डीजल के कहीं कबाड़ में खड़ी कर सकते हैं। भैया जो होम गार्ड में नौकरी करा, 72,000 होम गार्ड को बाहर कर दिया, इससे बड़ी काम, यही तो असली विकास है, यही तो इनका रोजगार है जो पोस्टरों में दिख रहा है। तक जो संविदा में उनको निकालेंगे तभी तो आपको नौकरी मिलेगा, यही तो उनका विकास है ना। हम बता तो रहे हैं कि ये पोस्टर में जो दिखा रहे हैं कि हर साल हमने इतने लाख नौकरी दी, ये वही निकालने का ही रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। अच्छा, अखिलेश जी ने इसे क्या करने वाले हैं जिससे आपको पूरी भरोसा है? देखिए, अखिलेश जी सबसे पहले बेरोजगारों को रोजगार देने वाले हैं, और स्वास्थ्य, शिक्षा सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसको मजबूत करेंगे, और बिजली का बिल जिससे हर एक आम आदमी परेशान हो रहा है, हर महीना पूरा नहीं होता है, बिल लेकर के लोग खड़े हो जाते हैं। देखिए, हर महीने आपका जो 300 यूनिट बिजली बिल फ्री दिया जाएगा, ये क्या दिल्ली वाला चाल पकड़ लिए क्या? नहीं, दिल्ली वाला चाल नहीं है, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल, दिल्ली
दिल्ली में केजरीवाल भी यही गेम खेला था। नहीं नहीं, हमें जनता को लाभ देना है, ठीक है, वो जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, तो हमें जो अच्छा काम कर रहा है हमें उस काम को एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे साथ ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि समाज का उगता हुआ सूरज है, आज छोटा छोटा यानी कि आज अगर कहा जाए तो ज़्यादा से 22 से 25 साल के नौजवान हैं, इनको पता है कि नौकरी क्या चीज़ है, एक रुपया के लिए तरसना पड़ रहा है। हमारे साथ में चटपटा एकदम सिंगार खड़े हैं, हम समाजवादी पार्टी से जानना चाहेंगे कि हमारा बड़े भाई का नाम क्या है। हमारा नाम कवि आनंद कौशल है, जिला अध्यक्ष सांस्कृतिक प्रकोष्ठ से हूँ। कवि भी है भाई, शायर तो है ही है। हम ये जानना चाहेंगे, देखिए, कि कवि को लिखने के लिए कोई शब्द की जरूरत नहीं पड़ता है, 2022 में बहुत इतिहास बनने वाले हैं और इस मुद्दा में समाजवादी पार्टी बहुत आगे दबदबा बना हुआ है और हर जगह में लहर चल रहा है। आप 2022 में किसको लाना चाहेंगे? हम 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को लाना चाहते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव हमेशा मजलूमों, गरीबों और असहायों की हमेशा मदद करते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर तमगे के लोगों को आपस में जोड़ के चलता है, ना कि भाजपा की तरह। देखिए, हम यहाँ बात करना चाहेंगे, पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी का हाई कमान अखिलेश यादव जी मायावती के साथ में ताज होटल पे बैठ के समझौता हुआ था, चाय पिया था जी। क्या अखिलेश जी का अंदर में ये कमजोरी आ गया था कि पार्टी हम अगले बार में जीता नहीं पाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, उनको पता था कि हम आगे निकल सकते हैं और बढ़िया कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी का साथ ले लिया जाए, क्योंकि अकेले चलना कोई ज़्यादा मतलब हम आगे नहीं जा सकते, अगर किसी का साथ मिल जाए तो हम बहुत आगे। हमें जहाँ तक जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में राजनीति में मुलायम सिंह ने गढ़ बनाया है और हर मुँह में दबदबा बना हुआ है समाजवादी पार्टी, क्या इनको किसी के साथ कंधा देने की आवश्यकता है? नहीं, कंधा देने के 2022 में तो बिल्कुल कंधा देने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2022 में हम 350 से 400 के भी पार निकलेंगे और जो दो सीटें बचेंगी, तीन सीटें, वो केवल एक योगी जी के लिए खाते में बचेगी बस, क्योंकि विपक्ष में भी कोई होना चाहिए। ऐसे योगी जी थे, ऐसे कौन बुरा काम कर दिया कि आप लोग इतना पीछे पड़ गए? योगी जी ने अच्छा काम क्या किया? कोई अच्छा क्यों अच्छा काम नहीं किया भैया? सांड यहाँ खेत चरे जा रहे हैं, वो अगर सांड अगर नहीं चढ़ेगा, एक चीज हम जानना चाहेंगे, आप तो कवि है जी, हर जीव में सांड है तो हमारे इंसान में सांड कौन है? हमारे इंसान सांड थोड़ी ना है, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी थे। हमारी बात, हमारी सवाल आप समझे नहीं कि यानी कि जीव में सांड होता है, जैसे बैल में, बकरी में, हर जीव में सांड होता है, क्या हमारा इंसान में सांड कौन है? हमारे इंसान में सांड के रूप में हमारे माननीय योगी जी बैठे हुए हैं। तो क्या है, आप योगी जी को सांड बनाना चाह रहे हैं? बिल्कुल, वो सांड, अगर वो सांड है तो खेत नहीं चरेगा? बिल्कुल, वो चर ही रहे हैं, वो सांड जो है यहाँ के सांड जो है वो खेत चर रहे हैं और वो जो सांड है वो जनता को चर रहे हैं। वो देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि हर जीव में एक सांड होता है और हमारा समाजवादी युवा नेता जो एक कवि है, उन्होंने डायरेक्टली ये चैलेंज कर दिया कि योगी जी सांड है, क्या सांड है तो खेत चरने का भी अधिकार रखता है? खेत चरने का अधिकार नहीं रखता है, जब ये सांड नहीं खेत, वो खेत चरने क्यों खेत भाई जब उसके पास हम किसान लोग हैं, यहाँ पर क्यों आते हैं, अपना खेत क्यों बोते हैं? हम अपने लिए बोते हैं और उसका जो चरने वाला चीज होता है, उसमें पुआल निकलता है, भूसा निकलता है, वो तो हम जानवर को खिलाते हैं। योगी जी ने सब वो लपेट लेंगे, योगी जी ने गाय कटने से रोक दिया, गौ माता को मारने से रख दिया, उससे ज्यादा गाय कट रही है, उससे ज्यादा गाय कट रही है। योगी जी ने गौशाला बनाए हैं, बद से बदतर हो गई है, गौशाला में सारी गायें मरी जा रही है, चारा नहीं मिल रहा, चारा पानी नहीं मिल रहा है, कोई भी वहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं काम कर रहे हैं, उसके अंदर चारा तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं, रोड पर गायें मर रही हैं, रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट से मर रहा है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि गौशाला बना के गाय को भी मौत का वो एक मौत का कुआं बनाए हैं योगी जी, मौत तक ही नहीं देखा, जो बेजुबान लोगों को जो है कारावास कर दिया, वो आरे महात्मा क्या। तो ये बताइए, आप एक चीज और बताइए, क्यों योगी जी से आप लोग इतना नाराज क्यों हैं? योगी जी से इतना नाराज हम क्यों? हम लोग युवा हैं, अब हम लोगों को भी आगे काम करना है, हम लोग पढ़ भी लिख के घर में बैठे हुए हैं, कोई रोजगार नहीं है, टेट की परीक्षा होती तो वो भी लीक हो जाता होता है, 69,000 शिक्षक भर्ती आती है तो वो वहाँ पहुँच चला जाता है अदालत में, यहाँ कांस्टेबल भर्ती निकलती है, पेपर हो जाता है, उसका रिजल्ट नहीं आता है, सारा पैसा कहाँ जाता है? जो रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं जनरल की 250, 300, 500, वो पैसा सारा कहाँ जाता है? वो योगी जी को क्यों गलत है? तो इंस्टीट्यूट वाला प्रोफेसर ये जानता हूँ, गांव में कहावत है,
जेके क्या कहते हैं ना गई पाँव बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई, तो उनका बाबा जी का है ना, उनके लड़के हैं ना लड़कियां हैं। मैं कहना चाहता हूँ योगी बाबा से, मेरी ये बात पहुँचाई जाए कि कर लो बोरी और बिस्तर तैयार बाबा जी, कर लो बोरी और बिस्तर तैयार बाबा जी, फेंके जाओगे हाँ लंबे अब की बार बाबा जी, जोरदार बाबा जी। कुल मिला के आप उत्तर प्रदेश में इनको बोरी में फेंकने वाले, बिल्कुल खूब योजनाएं चलाई पर चल ना सकी, खूब रोडे बनाई पर बन ना सकी, सबको उल्लू बनाया, सबको उल्लू बनाया, जोरदार बाबा जी फेंके जाओगे लंबे अब की बार बाबा जी, चली अब की सपा की है बयार बाबा जी, फेंके जाओगे लंबे। ये बहुत बड़ी संदेश है समाजवादी पार्टी के युवा नेता, और आपको हम बताना चाहेंगे कि अब के बार पूरी तरह से योगी सरकार उखाड़ के फेंकने वाले हैं। हमारे पास एक और छोटा भाई है जो इस बार वार के सामने आया है, जैसे जंगल में खरपत होते हैं, खरपत का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इस बार वो खरपत भी महंगा कीमत में बिकने वाले हैं। हमारे साथ में छोटे भाई खड़े हैं और हम चाहेंगे छोटे भाई अपना परिचय देते हुए बताइए। प्रेम प्रकाश यादव, समाजवादी पार्टी छात्र सभा जिला सचिव बारह। अच्छा प्रेम प्रकाश जी, नाम बहुत अच्छा है, प्रेम का दीवाना हो, और हरे कृष्णा का नाम लेकर जरा बताइए आप किस बार किसकी सरकार? समाजवादी पार्टी की सरकार। ऐसे क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव गरीबों मजलूमों की लगातार लड़ाई लड़ते हैं, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। देखिए राजनीति में गरीबों के साथ सभी सरकार, जैसे योगी का है, मोदी का एक कहावत है, सबके साथ सबका विकास। सबका साथ नहीं, सबका विनाश है इस सरकार में। सबका विनाश, ये कैसे आप कह सकते हैं? क्योंकि उसकी सारी संपत्ति तो 4-5 दिन को ले लीजिए, 15 दिन पहले को ले लीजिए, कंपनियां बिक रही बड़ी बड़ी। अच्छा हमारे सामने गृह राज्य मंत्री के बेटे किसानों को राउंड दिए, ये जंगल राज है पूरी तरीके से, तो उन्होंने गाली भी तो दिया स्टेज पर। ये पत्रकारों को, देश के चौथे स्तंभ सबसे पत्रकारों को गाली दिया, साले कह के बताया। अरे भाजपा के खंडवा के सांसद, इस युग में पत्रकार का सम्मान आज आप लोग देते हैं? सम्मान हम लोग देते हैं क्योंकि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है, हम लोगों की आवाज ऊपर तक ले जाता है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यूपी में ऐसी औरतें हैं जो हर हफ्ते बच्चा पैदा करती हैं, ऐसे ऐसे लोग भाजपा में। अच्छा, जैसे एक सवाल और हमारे मन में बहुत खुड़खुला रहे, यानी कि अंदर में गुटर गुटर हो रहे, कि ब्राह्मण समाज को लेकर के समाजवादी पार्टी, एक कांग्रेस ने एक जारी किया है जो लॉलीपॉप दे रहा है, क्या सही बात? ये लॉलीपॉप नहीं है, वर्षों से समाजवादी पार्टी सभी तमगे के लोगों को साथ लेकर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, क्योंकि आप सबसे, आप अगर एग्जांपल देखना चाहते हैं तो लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क देख लीजिए, वो भी एक ब्राह्मण ही है, परशुराम जयंती। और हमारे अयोध्या में देख लिए पवन पांडे, रायबरेली में मनोज पांडे, सबसे ज्यादा हमारी पार्टी जो है वो सबसे ज्यादा हर एक तमगे के लोगों को साथ लेकर चलता है, ऐसा कोई नहीं कि वो केवल एक पार्टी को लेकर साथ चलता हो, जितने भी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुद्दा है, आपको हम बता दे आपकी बार किसकी सरकार, यानी कि हर जगह पे यही लहर है बीजेपी। आपकी बार वैसी चाचा भी लाइन में लगे हुए हैं, क्या लग रहा है बीजेपी में खेला हुई? वो बीजेपी का एजेंट है, वोट कटवा है। अच्छा अच्छा, चाचा जी आ गए समाजवादी पार्टी में। देखिए बीजेपी वालों को यह संदेश देना चाहता हूँ, परिवार में कोई घुटन नहीं, परिवार एक है। हर मुद्दे पर बीजेपी वाले करते थे कि परिवार में उनके नहीं है, फेंकने से कहीं पानी एक सेकंड के लिए इधर। अच्छा पहले चाचा चाचा नहीं थे, अब चाचा हो गए, पहले चाचा चाचा नहीं थे, अभी चाचा हो गए। क्यों? पहले भी चाचा थे और आज भी वो चाचा हैं। आप हमेशा बाप रहेगा, हमेशा आशीर्वाद देते रहेंगे। अच्छा अच्छा, चाचा कह रहे, बीजेपी कह रही है कि हम 300 सीटों से अधिक जीतेंगे, समाजवादी पार्टी कह रही है हम 300 सीटों से अधिक जीतेंगे। बीजेपी वाले बौखलाए हुए हैं, उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है, वो उल्टा सीधा बोल रहे हैं। 350 पार, वो पेट्रोल डीजल और सरसों का तेल के रेट बता रहे हैं 350 पार, वो साढ़े के बारे में उन्हें आंकड़ा
मोदी जी जाते हैं विदेश का दौरा करने, वहाँ से अभी पुतिन जी आए थे भारत का दौरा करके, तो S-400 मिसाइल लेके आए, ये भारत की सुरक्षा को बढ़ा रहा है, तो इसके बारे में अब क्या कहेंगे? हम तो कहते ही नहीं बचेगा तो सुरक्षा कैसी, पूरा देश तो बेच रहे हैं। मोदी जी इतना कर्जा कर दिए। अच्छा, आजमगढ़ का दौरा आपने किया होगा कभी? आजमगढ़ गए, लखनऊ से आजमगढ़ जाने में कभी 8 घंटा लगता था, अभी 3 घंटा लग रहा है, एक्सप्रेसवे हाईवे बन गया। हाँ, वो तो, एक्सप्रेसवे किसका बनाया है? अखिलेश जी ने फीता कटवा जो है, ये फीता कटवा केवल फीता काट रहे हैं, फीता कटवा कुछ नहीं, फीता कटवा। हाँ, फीता कटवा है। अखिलेश जी ने रोड पास किया, बनवाया योगी जी ने, लेकिन कार्य को जो संपूर्ण करता है वही तो कार्यकर्ता कहलाता है। वो कार्यकर्ता नहीं है, अब पता लगे हम अपने घर की नींव डाले, घर बना ले और पैसा। एक होता है चालाक, एक होता है चतुर। एक जैसे ज्ञान होता है, दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, इसी बात चतुर चालाक होशियार, ये चालाकी अब उनकी नहीं चलने वाली है। चलिए, बहुत 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 आनंद है आप लोग से बात करके। यानी आप लोग को इस बार लग रहा है कि यूपी में खेला होगा और समाज खदेड़ा होगा, इसी खदेड़ा होगा। गोरखपुर के मठ पे जाकर बाबा फिर से बैठे, घंटा बजाए बाबा का यूपी में योगी अनुपयोगी। अच्छा, मोदी जी कहना है योगी प्लस यूपी बराबर उपयोगी। ये योगी नहीं है, रोगी है, रोगी सरकार है और रोगी लोग हैं, पूरी योगी रोगी व्यवस्था है, रोगी व्यवस्था है, नाम के सिर्फ योगी हैं। काम यूपी में काफी अस्पताल भी बन रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? अस्पताल किसने बनवाया है? अस्पताल तो अभी कोरोना काल जब चल रहा था, ये वही बीजेपी के लोग हैं, ये यही योगी सरकार है जो लाश जलाने के लिए कफन तक नहीं दे पाई, वो बता रहे हैं हमने अस्पताल बनवा दिया। और मैं आपसे सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से ये संदेश बाबा जी तक पहुँचाना चाहता हूँ कि अब आप अपने मठ के लिए अपना बोरी बिस्तरा तैयार कर लीजिए, क्योंकि आप वहीं पर घंटा बजाइए और प्रगति की बयार होगी, उम्मीदें बेशुमार होंगी, प्रगति की बयार होगी, उम्मीदें बेशुमार होंगी, और बस कुछ ही दिन है शेष जब प्रदेश में अखिलेश सरकार होगी। मैंने अखिलेश जी अब पूरा आ रहे हैं, पूरा आप लोग ने मूड बना लिया, नहीं रहे हैं, अखिलेश जी के नाम की सुनामी आने वाली है। बहुत बहुत आनंद है आप लोग से बात करके, जिसमें बीजेपी की पूरी पार्टी क्लीन बोल्ड होने वाली है उत्तर प्रदेश से, क्लीन बोल्ड होने वाली है। अखिलेश जी अब यॉर्कर मारेंगे और योगी जी पूरी तरह से क्लीन बोल्ड। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोजगार देने के बजाय रोजगार छीन रही है, क्योंकि 1,72,000 शिक्षा मित्र को ले लीजिए, उसको पूरी तरीके से पैदल कर दिया हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने, उनको रोजगार दिया, उनको परमानेंट किया, उनके वेतन 35,000 किया, आज 1,00,000 शिक्षा मित्र पैदल कर दिया, 1,72,000 इसमें से 6,000 शिक्षा मित्र जो मर गए। योगी जी जब सांसद थे तो वो चिल्लाते थे प्रदेश सरकार के ऊपर कि ये कोई शिक्षा मित्र अगर मरता है उसको 5,00,000 मुआवजा मिलना चाहिए, और योगी जी की आज उत्तर प्रदेश में सरकार है, 5 पैसा भी किसी शिक्षा मित्र जो 6,000 मरे हैं उनको 5 पैसा भी मुआवजा दिया है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस में कहा था कि आज से शिक्षा मित्रों की संपूर्ण जिम्मेदारी हमारी, हम प्रदेश सरकार से भी बात करेंगे, हम अपनी बात वहां केंद्र में भी बात करेंगे। एक बात जो बहुत अहम रह गई, एक योगी जी ने बयान दिया था कि जिस गाड़ी पे आपको सपा का झंडा दिख जाए उस गाड़ी में कोई चिन्हित गुंडा ही नजर आएगा, इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप ये बताइए, जब ये लोकसभा का जब ये चुनाव लड़ रहे थे, इन्होंने शपथ पत्र में कितने मुकदमे दर्शाए थे ये आपको मालूम? 19 मुकदमे माननीय योगी जी पे। कौन प्रदेश का ये पहला मुख्यमंत्री है कि जो अपराधी किस्म का मुख्यमंत्री बना बैठा है? 19 मुकदमे, जनता के ऊपर मुकदमे लदवाए जाते हैं, अपने मुकदमे हटवाता है, ये कैसा मुख्यमंत्री है? ऐसे तो मोदी जी को सब लोग शेर कहते हैं, अगर वो शेर है हम तो कहते हैं शेर क्या होता है, शेर तो एक जानवर होता है, शेर या तो चिड़ियाघर में पाया जाता है या तो जंगल में पाया जाता है, और
लोग कहते हैं कि मोदी जी बहुत प्रभावशाली, अरे इतने प्रभावशाली हैं तो राफेल लेने क्या जरूरत थी, पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाके खड़े हो जाते और वहां पर फेंकते रहते आधे ऐसे मर जाते, जो दो चार बंदूक लेकर बचते तो मोदी जी 56 इंच सलमान खान बोल के खड़े हो जाते, उससे आधे मर जाते। मोदी जी तो कहते यूपी में गुंडों का सफाया हो रहा है, गुंडों का सफाया, वो खुद गुंडे है, गुंडा सफाया है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री गुंडे हैं, इसलिए योगी बाबा का सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, 76% गुंडा बदमाश भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, ये पेपर में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा और देखा होगा। गुंडा कहता है कि आप लोग हमें जानते नहीं थे, मैं विधायक और सांसद बनने से पहले क्या था, उससे बड़ा गुंडा कौन है, उससे बड़ा गुंडा कौन है बताइए। अच्छा मुख्तार अंसारी जी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए मुख्तार अंसारी वो क्या है क्या नहीं है, वो उनका जो है मुकदमा चल रहा है, ठीक है, वो अदालत फैसला करेगा। चलिए पास हो गया। तो देखा आप लोग ने, हम लोग ने मिला समाजवादी पार्टी के कुछ युवा कार्यकर्ताओं से, जो कि काफी चटपटा और मजेदार रहा आप लोग से बात करके। तो अब की बार खेला होगा यूपी में, पार्टी का खदेड़ा हो गया, खेला भी होगा, यानी अब की बार किसकी सरकार। बहुत 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 धन्यवाद।